हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूँ और एक नया वीडियो, जिस वीडियो में आज हम लोग कुछ स्पेशल देखने वाले। और आज की स्पेशल इन्फॉर्मेशन हमको पूछी थी मिस्टर जयदीप पटेल जी ने। मिस्टर जयदीप पटेल जो है वो राजकोट से आते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछी और बहुत कुछ चीज़ सीखने का हमको मौका भी दिया है। तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम पूछा था कि सर, अगर मेरे मशीन में जी सीएनसी का सीमेंस का 8280 एंड 840 डीएसएल कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में सर बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो लाइसेंस्ड ऑप्शन होते हैं या पेड ऑप्शन होते हैं, जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सही बात है, पूरी तरह से बात सही है कि हमको कुछ ऑप्शंस के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, तभी हम लोग सीमेंस ऑप्शंस खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन होते कौन से हैं और हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि ऐसा क्या क्या फीचर्स है सीमेंस में जो हमको पता नहीं है और जो हमारी नीड है, बट वो ऑप्शन सीमेंस में हमको बाय डिफॉल्ट दिखता नहीं है, और बहुत लाइस अगर हमको चाहिए तो लाइसेंस खरीदना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि सीमेंस में लाइसेंस क्या क्या होता है और उसको एक्टिवेट कैसे करना है, और वो लाइसेंस फीचर को हम लोगों को कुछ देर तक फ्री में यूज करने का प्रोविजन है क्या, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी। तो मेरे सामने सीमेंस का 8280 एंड 840 डीएसएल कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के अंदर हमको लाइसेंस फीचर देखना है और एक्टिवेट करना है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल वीडियो बहुत इजीली देखना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेनू सेलेक्ट में जाता हूँ। मेनू सेलेक्ट में जाने के बाद नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं मेरे सामने, इस नंबर ऑफ ऑप्शंस में मैं सबसे पहले तो सेटअप में, सेटअप में आने के बाद मेरे सामने यहाँ पे सब ऑप्शन है। यूजुअली मेरे सामने यहाँ पे एक टाइप का ऑप्शन ओपन होता है, मशीन डेटा एनसी एचएमआई। ओके, आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड में जाके आपको सनराइज सेट पासवर्ड में जाना है और यहाँ पे सनराइज यहाँ पे डालना है। पासवर्ड कैसा सेट करना है क्या नहीं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बहुत इजी तरीका है, मेरा ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर लेवल है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक बार मुझे कंफर्मेशन हो गया कि दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग लेवल, तो आई विल जस्ट मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, ये जो बटन है ये मेरा, इसको मैं प्रेस करता हूँ, इसको मैंने एक्सटेंशन की को प्रेस किया। एक्सटेंशन की को प्रेस करने के बाद मेरे सामने एक ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल स्वैप की में, उसको बोलते हैं लाइसेंसेस। तो मैं इस लाइसेंसेस नाम के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। लाइसेंसेस नाम के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मेरे सामने पूरे डिटेल्स ऑप्शन ओपन होते हैं कि क्या क्या है मेरे मशीन में, कि लाइसेंस की सफिशियंट, और पूरा डिटेल मिलता है क्या क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कुछ सोचने का तरीका नहीं है, आपको सोचना है हमारा जो इंटेंशन है लाइसेंसेस कौन से मशीन में एक्टिवेटेड है वो देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल ऑप्शंस में क्लिक करना है। ऑल ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा लिस्ट ओपन होता है सर, पूरा का पूरा लिस्ट ओपन होता है। ये देखो, अभी ये लिस्ट के अंदर क्या क्या पूछता है वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखो, एडिशनल वन एक्सिस स्पिंडल उसके लिए आपको है क्या, इसमें एडिशनल वन पोजिशनिंग एक्सिस चाहिए क्या, ये पूरी डिटेल मिलेगी। ये देखो, एडिशनल टू मल्टी MBYT CNC यूजर मेमोरी चाहिए क्या, आपको कुलिजन के लिए कुछ चाहिए क्या, सेफ्टी फीचर चाहिए क्या, आपको ट्रैवल के लिए फिक्स करना है क्या, सिंक्रोनाइजेशन एक्सिस पेयर, ये सब आपको, ये देखो पूरे के पूरे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अभी एडवांस पोजिशनिंग कंट्रोल, ये देखो पूरे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो, सबके सब ऑप्शंस सब आपके सामने यहाँ पे दिख जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस है जो पेड है फ्री है, आपको इसमें रीड करना है और चेक करना है कि कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए और कौन सा लाइसेंस आपको देखना है। ये देखो, टेक्नोलॉजी फंक्शंस, बैलेंस कटिंग, सब 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 है। देखो आप रीड करते जाओ, आपको पूरे ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाएंगे। अभी दूसरी बात क्या है कि इस लाइसेंस को हम लोग ट्रायल बेसिस के ऊपर यूज कर सकते हैं क्या, जरूर कर सकते हैं। इस लाइसेंस को हम लोग ट्रायल बेसिस के ऊपर 24 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, 24 आवर्स के बाद वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली फुल टाइम ऑलवेज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है हमको, कोई भी ऑप्शन को आपको अगर समझो एक्टिवेट करना है, देखो अभी एक ऑप्शन लेता हूं मैं, लॉक माई साइकिल्स नाम का एक ऑप्शन है, देखो इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद दो लाइसेंस मेरा एक्टिवेट हो गया,
ओके अभी क्या बोलता है देखो, मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको। इसको आपने एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट बटन प्रेस करना है। सेलेक्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा एंड एनएस के सी, एक बार देख लो आप। आपको क्या करना है, आपको HMI रिस्टार्ट करना है। ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, ऑप्शन बिकम एक्टिव अंटिल द HMI रिस्टार्ट। तो सबसे अच्छा क्या है, आपके वैल्यू डाल के रिसेट पीओ कर देना है। डू यू वॉन्ट टू ट्रिगर एन NS के पावर ऑन रिसेट वार्म रिस्टार्ट, आपको पूछ रहा है। आपने एक्सेप्ट बोल दिया तो ओ लाइसेंस आपके मशीन के अंदर 24 आवर्स के लिए एक्टिवेट हो गया। 24 आवर्स के लिए ओ लाइसेंस आपके मशीन के अंदर एक्टिवेट हो गया। इतना इजी तरीका है, आप देख लो करके। आपको अगर कुछ ऑप्शन आता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखो कम्युनिकेशन एंड PLC फेल्ड, इसका मतलब आपका मशीन का रिस्टार्ट हो चुका है। ओके और वो लाइसेंस मशीन के अंदर 24 आवर्स के लिए एक्टिवेट हो चुका है। होप सो आपको पसंद आया वीडियो। थैंक्स अ लॉट टू मिस्टर चैदीप पटेल। थैंक्स अ लॉट।